ऑलरेडी 10। चलिए ओके, हाँ, कितने बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें दो तीन टॉपिक थे, दैट इज इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडक्टर्स, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, एक चैप्टर है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें बात करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, मतलब क्या टाइम वही रहेगा 1 घंटे का, बट मैं ट्राई करूंगा ज्यादा टॉपिक कवर करना, ठीक है। एंड आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? सर आज इंडक्शन वाला चैप्टर ही चलेगा ना? नहीं, आज हम एसी भी कवर करेंगे, चैप्टर एसी भी कवर करने वाले हैं। अच्छा, दोनों करेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमारे पास टाइम बच्चों का एक्चुअली कम है, ठीक है। और आपकी एक्स्ट्रा क्लास के बारे में कुछ बात हुई क्या किसी से? नो सर। चलिए कोई ना, होपफुली आपके नेक्स्ट वीक से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, सो दैट आपका सिलेबस और अच्छे से रिविजन हो और अच्छे से आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आपके नेक्स्ट वाले सर बोल रहे थे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हम आपको मिल जाएगी अभी, एक्चुअली अभी क्लास का टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। अदरवाइज कल एक्चुअली क्लास आपकी होने वाली थी, संडे को आपकी क्लास होने वाली थी, बट अभी कुछ जो क्लास की टाइमिंग फिक्स करेंगे सर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे स्टार्ट हम करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने बात की थी, एंड आज हम बात करेंगे एसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। टॉपिक्स आज थोड़े ज्यादा रहेंगे, सो प्लीज थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना ताकि हम सारे टॉपिक कवर कर पाए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसका मतलब क्या है? सो प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय विच इट अपोजिस एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। कैसे होता है? देखो, मान लो अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अभी एक पाथ में फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब सोचो अगर ऐसे बहुत सारे सर्कल हो जाए तो, ऐसे बच्चों अगर बहुत सारे सर्कल हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स बार बार चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो बच्चों क्या होगा, इसके अंदर है ना एक हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर एक अपोजिट एक इंडक्टेंस बच्चों, सॉरी एक अपोजिट पोलैरिटी की एक वोल्टेज जनरेट होगी जो उसको अपोज करेगी, जो एक्चुअली करंट है, जो एक्चुअली करंट का जो फ्लक्स है। मेरी बात आपको समझ आ रही है सर? मतलब अगर कॉइल हमारी बढ़ जाएगी तब ऐसा होगा? यस, अगर मान लो किसी कॉइल को हमने एक वायर है, उसको हमने ऐसे करने के बजाय उसको हमने ऐसे राउंड कर दिया, आप बच्चों ऐसे राउंड कर दोगे ना, तो क्या होगा, जो करंट है, करंट क्या होगा, बार बार डायरेक्शन चेंज होगी करंट की, करंट को घूम घूम कैसे जाना पड़ेगा, आ रही मेरी बात समझे? तो फ्लक्स yes. बच्चों बार बार चेंज होगा, फ्लक्स क्या बच्चों बार बार चेंज होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स चेंज होगा, तो यानी कि क्या होगा बच्चों, वहां पे क्या होगी, क्या होगी वहां पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, कितनी होगी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, दिव्य मैम का कॉल आ रहा है। यस सर, क्लास शुरू होगी ना? ठीक है, मेरी आवाज सबको साफ आवाज आ रही है? यस। तो फ्लक्स, या बच्चों अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स कितना हो जाएगा, एल इंटू आई, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बाई आई, ठीक है। तो इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 2 एम्पीयर इन 0.1 सेकंड, ओके, एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी, एम। चलो योर क्वेश्चन ट्राई करो।
इसको करोगे कैसे भाई? अगर आपको याद हो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाय डी टी, यही है डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। हमें इक्वेशन क्या मिल चुकी है, हमें हमने देखा था फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो डिफ्रेंशिएट कर दो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, एल डेल्टा आई बाय डी टी के बराबर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर बात करूं, सो एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू वोल्टेज बाई डी फाइव बाई डी, क्या वोल्टेज होता ना माइनस हो, कितना हो गया 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर करंट कम हुआ है तो प्लस भी कम होगा, यानी कि बच्चों आप इसको नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ से अगर आपको इंडक्टेंस निकाल लिखा जाएगा 50 into 50, एक मिनट, ठीक है जाएगा, सो 50 डिवाइड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा आई कितना बच्चों, कितना चेंज करंट भी चेंज कितना हुआ, ठीक है 3 एम्पीयर। सीधा से देख रहे मैं बच्चों, आप अभी माइनस में फोकस नहीं कर रहा क्योंकि वो फाइनल अपने आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ टाइम कितना, 0.1 सेकंड, फाइनल कितना आ जाएगा एल बिल बी सर, ऑप्शन डी 500 डिवाइड बाय कितना आ गया, एक सेकेंड हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई, ओके देखते हैं बिल्कुल। सो 500 डिवाइड पर कितना हुआ है, 1 क्या कह रहे हैं एक बता बोलो बता, ऑप्शन डी, लेकिन ऑप्शन डी आया कैसे सर, वहां पे 500 नहीं आएगा, वही तो मैं देख रहा हूँ हमने काम इससे किया, चेंज इन करंट कितना होगा, 500 नहीं आएगा वहाँ पे, आपने 500/3 लिखा है ना, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो चेंज इन करंट कितना 3 एम्पीयर है, टाइम कितना है 0.1 है ना, फिर 0.1 ऊपर जाएगा ना। अरे थैंक यू सो मच, आपके टीचर भी गलती कर देते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यानी कि 1.67। चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं, ठीक है, सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, अगर मान लो बच्चों में हमें डायमेंशन दे रखे हैं सोलेनोइड की, तो उस टाइम क्या वैल्यू होगी हमारी इंडक्टेंस की, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एन, ठीक है, एन क्या बच्चों नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन क्या बच्चों नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो एल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एन, तो जगह पे इंडक्टेंस का फॉर्म। ठीक है सर, आई है ना अलाउड नहीं, क्या क्या आर स्क्वायर के बाद क्या है सर, आर स्क्वायर एल है ना, एक मिनट मतलब ये वाला फॉर्म ये है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मान लो कोई कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों 600 है, ठीक है, तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस 108 है, अगर मान लो कोई ऐसी कॉइल है जिसके अंदर 500 टर्न्स हो तो उसमें कितनी इंडक्टेंस होगी, उस फॉर्मूले को यूज करके अपने को बताना है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ट्राई करो
हाँ जी बच्चों क्या आंसर है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भी, आपका जो फॉर्मूला है उसी पे बेस दे दो डायरेक्टली, डायरेक्टली उसी पे बेस देगी भी। आपको पता है इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं शब्दों में बात करूँ बच्चों, सो इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, सो एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हमें पता है इस बात का, तो सो देयरफॉर एल टू बाय एल वन विल बी इक्वल टू एन टू बाय एन वन का होल स्क्वायर। आई होप सबको मेरी बातें समझ आ गई, हमें L2 निकालना है, L1 कितना है, L1 इज 600, कितना है सॉरी L1 इज 108, 108 इंटू एन टू बाय एन वन, ठीक है, सो N2 कितना है 500 डिवाइड बाय 600 का होल स्क्वायर, सो 108 इंटू 5/6 का, बस यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना जाएगा, जाएगा 75, आंसर विल बी डी। आया क्या समझ में? यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बच्चों, अगर मान लो बच्चों दो कॉइल है, ठीक है, दो कॉइल है, ठीक है, एक में करंट चेंज होने की वजह से बच्चों दूसरे में फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर ऐसा हो तो भाई, अगर आप एक में करंट चेंज कर रहे हो तो दूसरे में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से बच्चों उन दोनों बीच में क्या होगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। सो एम क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो इसलिए क्या है, फ्लक्स क्या है, दूसरी कॉइल का फ्लक्स है लेकिन करंट किसका है, पहले वाले का, ठीक है। अगर आपने को यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली इन सेकेंडरी कॉइल तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, ये आई वन है बच्चों, इट्स आई वन, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, ओके। अब देखो अब छोटी सी बात करते हैं, एक फर्स्ट केस लेते हैं, सो यहाँ पे देखो दो कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों दो कॉइल है, एक एन वन कॉइल है, सॉरी एक कॉइल फर्स्ट है जिसके एन वन टर्न्स है, एक कॉइल सेकंड है जिसके एन टू टर्न्स है, ओके। सो कॉइल हैविंग एन वन टर्न्स रेडियस आर वन सराउंडेड बाय अनदर कॉइल हैविंग एन टू टर्न्स रेडियस आर टू, आर टू बच्चों काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू आर वन। अब हुआ क्या बच्चों, जो सेकेंड वाली ना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। याद करो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, एक आपको फॉर्मूला सिखाया था मैंने, क्या म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, क्या फॉर्मूला था बच्चों, वो याद है किसी को, रुको रुको, टू आर इंटू थीटा डिवाइड बाय टू पाई, याद है बच्चों किसी को फॉर्मूला, ये वाला देखो, हमने एक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ ए कंडक्टर, भूल गए बच्चों, ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना ड्यू टू आर्क ऑफ ए कंडक्टर, ऐसा कुछ हमने किया था, देखो थीटा एंगल था, एक आर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, उसका ये फॉर्मूला था, ठीक है, क्या एंगल सफेंडेड बाय दी करंट कंडक्टर एट दी सेंटर। अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे एंगल कितना है, टू पाई है, तो टू बाई टू का कैंसिल हो जाएगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी वायर या फिर सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन नॉट आई डिवाइड बाय टू आर टू, एन नॉट क्यों, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन टू है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज फाइव एन वन डी टू एंड ए वन। आई थिंक फ्लक्स की डेफिनेशन तो सबको याद होगी, किसी को इसमें डाउट तो नहीं होगा, ये सब सबको समझ आ रहा है, मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, हाँ बच्चों, नहीं फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यही तो होती थी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें, कितना है बिकॉज ऑफ, हाँ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी अपने ये जो ना भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, उसके वजह से यहाँ पे अपना क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया, तो बी टू ट्वेल्व पुट करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर टू,
ध्यान रखना सेकेंडरी में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। टू को एक्सएल सोलेनोइड आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर ओवर ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ वन ऑफ द सोलेनोइड हैज 300 टर्न्स एंड अदर हैज 400 टर्न्स, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें रेडियस सेम है ना? यस, इसमें रेडियस सेम है। चलो शुक्र है कोई तो बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा है। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आप सब आराम से सॉल्व कर लोगे बच्चों, सेम फॉर्मूला लगाना अपने को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। बच्चों ये फॉर्मूला आपको आई थिंक ऑलरेडी याद होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। सो किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है किस पर डिपेंड करता है, हाफ एल आई स्क्वायर, उसकी इंडक्टेंस क्या है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बच्चों ये होता है। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट। सिमिलरली हमने एनर्जी डेंसिटी में हमने उसमें बढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये सिमिलर फॉर्मूला भी, यस सर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अगर आपने इंडक्टर को दो इंडक्टर आपने अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो बच्चों क्या होगा, L equivalent, it will be L1 plus L2 and combination of inductor for parallel combination, that will be equal to 1 by L1 plus 1 by L2. ये सब चीजें आपको आई थिंक ऑलरेडी पहले से बताऊंगी, पता है सब चीजें, यस सर। चलिए नाउ बच्चों मान लो कि दो अगर आपने इंडक्टर आपने सीरीज में लगा दिए लेकिन उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर उनके बीच में जो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, मान लो कि पहला वाला केस ले रहा हूं मैं दो सीरीज में, ठीक है, अगर मान लो कि दोनों ही अपने कॉइल में अगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों अगर सेम है तो क्या होगा, नेट इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस चॉइस ऑफ M, M क्या है, M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मान लो दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन क्या बच्चों अगर अपोजिट है, उल्टी है, एक में अगर मान लो क्लॉकवाइज है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, आप देखो एक में क्या है एंटर कर रही है इधर, इसमें वापस इधर आ रही है, ठीक है, तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 माइनस 2M, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ठीक है। और M की वैल्यू हम कैसे निकाले, एक मिनट, M हो जाएगा, K will be equal to under root L1 L2, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा आपको, बस अभी मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एग्जैक्टली क्या होता है कैसे होता है, इसके बारे में आप खुद ट्राई करना, ठीक है। उस पर वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों, आप ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक हम इसके बारे में पहले बात भी करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में पहले बात भी करते हैं, ठीक है, आगे चले। और सर इसमें M, M का वही पिछले वाला ही फॉर्मूला लगाना है ना, म्यू M1 M2 वाला, नहीं, वो नहीं लगेगा यहाँ पे, मुझे कोएफिशिएंट कपलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बारे में आप खुद मुझे बताना अगले सेशन में तो क्या होता है, ओके सर, ठीक है। ये टॉपिक पहले करा था मैं, ठीक है, आगे चलते हमारे पास टाइम कम है आज, ठीक है। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर मान लो हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें हमने इंडक्टर भी लगा रखा है और हमने बच्चों रेजिस्टर भी लगा रखा है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, एकदम से करंट इंक्रीज नहीं होता, क्यों,
क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, हमेशा चेंज को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली होता है कि जैसे आप सर्किट को ऑन करो ना, तो यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होती है नाइट डायरेक्शन, दैट इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब वो क्या होती है, कितनी होती है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में अभी हम बात करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। एल आर सर्किट में करंट कैसे ग्रो करता है बच्चों, उसकी इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस ई रेस वन माइनस टी बाय टाउ, बच्चों टाउ होता है एल बाय आर, टाउ होता है टाइम कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है एल बाय आर, ठीक है। ध्यान रखो बच्चों, जैसे ही आप सर्किट ऑन करोगे हमेशा इलेक्ट्रिक क्या करेगा, हमेशा सर्किट को ब्लॉक करेगा, हमेशा एकदम से करंट चेंज नहीं होने देता इंडक्टर, ठीक है। तो जैसे आप T0 को पुट करोगे तो देखो एज ए ओपन सर्किट काम करता है, एकदम से इंडक्टर क्या करता है, एज ए ओपन सर्किट काम करता है, लेकिन आफ्टर गेटिंग स्टेडी स्टेट क्या होता है बच्चों, इंडक्टर कैसे काम करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट। ये बात किस चीज को समझ आई सर, दोबारा बताना। मैं ये बोलता हूँ जैसे आप सर्किट ऑन करते हो ना, एल आर सर्किट जैसे आप ऑन करते हो, तो इंडक्टर क्या करता है, वो हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है, ठीक है। तो जैसे आप ऑन करोगे उस इंस्टेंट पे एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, अगर ओपन सर्किट होगा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। आप यहाँ पे अगर टाइम की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, यहाँ पे पूछो अगर टाइम की वैल्यू आप जीरो पुट कर दोगे इक्वल टू जीरो, तो ए की पावर क्या है, जीरो, वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन कितना जीरो। तो बच्चो एट टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है। और आई नोट की वैल्यू कितनी है बच्चो, ये तो आई नोट हमने लिखा हुआ है, इट्स अ पीक करंट हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। देखो भाई हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एक सेकेंड, हमें निकालना कि दो सेकंड बाद करंट कितना हुआ, ठीक है। इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस टी रेस पर टी बाय, ठीक है, टाउ की है एल बाय आर, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी रखी अपने को 10 हेनरी, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितना है 2 आ जाएगा, यानी कि आई नॉट इंटू वन माइनस टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड डिवाइड बाय टाउ की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगी, 2, वो करंट कितना है ई बाय आर, ई कितना है 5 वोल्ट, सो 5 वन माइनस ई रेस्ट माइनस, बिल्कुल सही आंसर, ए सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये था कि जब आपने सर्किट को ऑन किया, मान लो कि कुछ टाइम बाद सर्किट पूरा स्टेडी स्टेट में आ चुका है और आपने एकदम से बैटरी को हटा दिया और आपने सर्किट क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिके ऑफ करंट इन इन एलआर सर्किट। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है तो करंट आई विल बी इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू माइनस, ठीक है, ओके सर। एक बार डीके रिपीट कर दीजिए। डीके का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इसमें होता क्या है कि जब हमारा जो सर्किट है मानो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, मतलब क्या, हमारा जो इंडक्टर वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है, ठीक है। अभी उसमें होता क्या है,
इंडक्टर में एज ए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बच्चों क्या होती है, एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, जैसे इंडक्टर स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, आपने एकदम से बैटरी हटा दी और सर्किट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो करंट फ्लो तो करेगा। देखो मैंने आपको कहा था ना कि एकदम से इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने दे, तो स्टेडी स्टेट में क्या है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो बच्चों करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब वोल्टेज स्टोर तो है ही नहीं, जो एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक के अंदर वो धीरे धीरे डेसिपेट हो जाएगी अक्रॉस रेजिस्टर, उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक है, इसको ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, टाइम आफ्टर विच डीके प्रोसेस कंप्लीट है 63%। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। आई मेरी बात समझ गए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का बच्चों ये है मतलब कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है L by R, ठीक है, तो T is equal to tau में मतलब टाइम कांस्टेंट में हमारे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट E raised for minus one। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना बच्चों, आप तो सॉल्व करते हो तो ये आता है 0.37 I नॉट। सोचो जब t इज इक्वल टू जीरो था तो हमारा करंट कितना था, हमारा करंट आई नोट था, एंड t इज इक्वल टू टाउ टाइम बाद हमारा करंट कितना बच गया, कितना बच गया, तो चेंज इन करंट कितना हो गया 0.63 आई नोट, इतना चेंज हो गया ना करंट में, ये बोल रखा है, इतना डिक्रीज हो गया करंट। तो टाइम आफ्टर विच डीके प्रोसेस कंप्लीट है 63%। अब आया समझ में? यस सर। चलते नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो एसी सर्किट। ठीक है, अब होता क्या, आई थिंक सबको पता होगा हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई आती है बच्चों वो होती है एसी होती है, एसी वोल्टेज होती है। ठीक है, ठीक है, अब एसी वोल्टेज होती है तो हमारा करंट भी एसी होता है। एक सेकंड, चलिए अब देखो बच्चों होता क्या, हमारी जो वोल्टेज जो एसी है और हमारा करंट वो भी एसी होता है। ठीक है, ओके, हम डीसी यूज क्यों क्यों नहीं करते, एसी क्यों यूज करते, अभी इस पे थोड़ा भी बड़ा टॉपिक है, इस बारे में कभी फिर बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एवरेज करंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का, अगर मान लो अगर आपको एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, सो एवरेज करंट डेफिनेशन होती है आई डी टी फ्रॉम टाइम टी वन से टी टू डिवाइड बाय टाइम से, ये बच्चों हमारी होती है एवरेज। ठीक है, अब सोचो अगर आप फुल साइकिल पे अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे बच्चों, क्यों, हमारा देखो करंट है वो आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो आप सबको याद होगा इसका ग्राफ कैसा होता है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है पाई, ये क्या है टू पाई, अगर आप फुल साइकिल पे अगर आप बच्चों एवरेज वैल्यू निकालोगे वो तो जीरो हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि भाई हाफ साइकिल में पॉजिटिव है हाफ साइकिल में नेगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल पे है जीरो हो जाएगी। इसलिए बच्चों हम जो नो हम जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कभी हम फुल साइकिल पे नहीं निकालते, हम निकालते हैं हाफ साइकिल पे। ठीक है, तो हाफ साइकिल में बच्चों वैल्यू कितनी होती है एवरेज करंट की, वैल्यू होती है आई इक्वल टू आई नो टू आई नो डिवाइड बाय पाई, और इसको हम बोल सकते हैं 0.367 आई नोट, जो कि हमने अभी देखा था जब हम देखी की बात कर रहे थे टाइम कांस्टेंट पे चेक करते कि हमारा करंट कितना कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.637 आई नोट, यानी कि हमारा जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है फॉर हाफ साइकिल, कितनी होती है बच्चों 0.637 आई नोट, या फिर आप उसको याद कर सकते हो 2 आई नोट बाय। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो वोल्टेज निकालोगे तो उसकी भी यही वैल्यू होगी, तो V इक्वल टू V नोट टू जीरो डिवाइड बाय फाइव। ठीक है, ये बात कर बच्चों हम बात करें किसके लिए, हाफ साइकिल के, फुल साइकिल के लिए बच्चों जीरो होती है, अगर आप टाइम पीरियड आप इनफाइनाइट होगे उसके लिए भी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए नाउ
अगर हम RMS वैल्यू निकालें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको IRMS निकालनी है, ये होता है अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय में इंटीग्रेशन डी टी, ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। सर हमें बस लास्ट वाला याद रखना है ना, I not by root टू, ये वाला भी बिल्कुल सही याद रखना, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है बच्चों, I not divided by root टू होती है, या फिर 0.707। और ध्यान रखना हमेशा I RMS वैल्यू विल बी ग्रेटर देन I एवरेज, ठीक है। आप हाँ आपको आज RMS वैल्यू आप चाहे उसके लिए निकालो, चाहे आप हाफ साइकिल के लिए निकालो, चाहे फुल साइकिल के लिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो कभी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आई स्क्वायर ले रहे हो, आप आई नहीं ले रहे। अगर हमारा आई का ग्राफ बच्चों ऐसा था ना, हमारा आई का ग्राफ दिख रहा आपको ऐसा था, ये पॉजिटिव वाला ऐसा था ना, अगर हम आई का ग्राफ ऐसे है तो बच्चों हमारा आई स्क्वायर का ग्राफ कैसे हो जाएगा? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 200 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलो ये वाला ट्राई करो एक बार। ऑप्शन ए बी, ये आई नोट क्या बच्चों, इट्स अ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बताओ, आपने जब जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर ट्राई करो एक बार। हाँ जी, क्या आंसर है भाई? हमें RMS वैल्यू दे रखी है, हमें पीक वैल्यू बतानी है। सीधा सीधा पढ़ना है, क्या दे रखा अपने को, वोल्टेज दे रखी ना, सो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट बाय रूट टू, बस हमें निकालने की थी वी नोट निकालना, वी आर एम एस इंटू रूट टू, वी आर एम एस कितना है 220 इंटू 14, बस तो उसकी वैल्यू कितनी आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पीयर एंड एन अल्टरनेटिंग करंट हैविंग ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हमें पीक वैल्यू दे रखी है 2 एम्पीयर फ्लो थ्रू 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द 2 रेजिस्टेंस विल बी, ऑप्शन ए बी सी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ध्यान क्या रखना बच्चों, अगर आप सबको हीट का फॉर्मूला याद हो, ठीक है, एसी के केस में बच्चों ये आई आर एम एस होता है और एसी, ठीक है। अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो बच्चे जल्दी बोलो, हाँ जी बच्चों क्या आंसर है? अरे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, देखो अगर आप निकालोगे हीट फॉर डीसी, अभी चेक करते हैं, देखो हीट फॉर डीसी क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, और हीट फॉर एसी इज प्रोपोर्शनल टू आई
स्क्वायर। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बच्चों मैक्सिमम वैल्यू दे रखी, यानी कि आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, आई नॉट कितना, टू है डिवाइड बाय रूट टू, क्या जाएगा, क्या जाएगा रूट टू का स्क्वायर, यानी कि और इनटू में आई नॉट भी आएगा यहाँ पे, यानी कि एच ए सी, डायरेक्ट करें, ओके एच डी सी डिवाइड बाय एच ए सी, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2, यानी कि आंसर विल बी बी। आया समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है चलिए आगे चलते, आगे बात करते हैं। नाउ अगर बच्चों हम बात करते फेजर डायग्राम के बारे में, फेजर डायग्राम क्या होता है बच्चों, इट्स अ ग्राफ बिटवीन, इट्स अ ग्राफ बिटवीन बच्चों, बेसिकली इट्स अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हमारा बच्चों जो सर्किट है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ क्या बच्चों रेजिस्टेंस है, अब उसमें होता क्या है बच्चों, हमारी वोल्टेज की इक्वेशन कितनी है, ये इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन, बच्चों दोनों ही साइन पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ ही इंक्रीज होंगे एक साथ ही डिक्रीज होंगे, तो बच्चों तो ग्राफ क्या होंगे बच्चों, अलाइन होंगे, ग्राफ क्या होंगे बच्चों, अलाइन, यानी कि एक फेज में होंगे, सो करंट एंड वोल्टेज फेजर रोटेट टुगेदर, दे आर पैरेलल एट एवरी इंस्टेंट। हाँ जो लेंथ है आई नोट की बच्चों थोड़ी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आई नोट की वैल्यू क्या होती है, ई नोट डिवाइड बाय, ठीक है। तो बच्चों डायग्राम किसको समझ आया, फेजर डायग्राम किसको समझ आया बच्चों, फॉर रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है, सीधा सीधा ये डायग्राम। लेकिन अगर मान लो सिर्फ कैपेसिटेंस हो तो क्या होगा, याद करो अगर बच्चों करंट की इक्वेशन क्या हमने लिखी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आप इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों हमारी जो हमारी जो क्या बोलते जो चार्ज है, चार्ज क्या जाएगा, क्या जाएगा, सी टी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मान लो हमारी इक्वेशन बच्चे ऐसे, हमारी इक्वेशन जो बच्चों ऐसे है, ठीक है, सबको पता होगा, एक मिनट मैं देखो ज्यादा डेरिवेशन में घुस नहीं रहा, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबको पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है एक इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मान लो स्मॉल चार्ज है, वो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो अगर कैपेसिटी के अक्रॉस हमारी जो वोल्टेज बच्चों ई है, तो ये हमारी इक्वेशन आती है, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बस आप इसको डिफरेंशिएट करो, मैं इक्वेशन आ जाएगी किसी करंट की। अब देखो बच्चों करंट क्या है, करंट की इक्वेशन क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि हमारा जो करंट बच्चों, अब देखो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि बच्चों हमारा करंट क्या है, लीड कर रहा है वोल्टेज को, क्या कर रहा है बच्चों, लीड कर रहा है। ये बात किस किस को समझ आई, ठीक है, तो I को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P ओमेगा एप्सिलॉन नॉट फिटबिट साइन ओमेगा T प्लस में पाई बाय टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/ ओमेगा C, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स सी, यानी कि रिएक्टेंस, इंपीडेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट एक कैपेसिटर 1 microfarad वैल्यू इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने जो अभी बात करी ना एक्सी, एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, उसके वैल्यू बतानी है, ऑप्शन ए डी सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ जी बच्चों क्या आंसर है,
बोलो अरे पे तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक्स की कितने कितना होता है, 1 बाय ओमेगा सी होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बी। चलो अभी देखते हैं बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं अपने को। भाई हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी है, बस एफ सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा कितना है 1000 रेडियन पर सेकेंड, सी कितना है 1 माइक्रो फैरड एम सी, बस अरे सी। चलिए आगे चलते। नाउ अगर मान लो बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसका फेजर डायग्राम, सर उस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है ना 1000। हाँ जी फ्रीक्वेंसी है ना, अच्छा वो रेडियन पर सेकंड है, वो हर्ट्ज वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब वो ओमेगा ऑलरेडी गिवन है, बाकी हर्ट्ज नहीं है वो। ओके ओके ठीक है। चलिए नाउ अगर हम बच्चों फेजर डायग्राम शो करेंगे बच्चों, अब देखो करंट क्या, करंट हमारा लीड कर रहा है। अगर मान लो हमारा जो जो फेजर है वोल्टेज का, अगर मान लो ऐसा है तो हमारा करंट कितना है, उससे 90 डिग्री आगे है। ठीक है तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे समझे बच्चों। चलिए आगे चलते। नाउ अगर मान लो सिर्फ इंडक्टर हो, तो सिर्फ इंडक्टर, तो हमें तो पहले ही पता है करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है बस, तो क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसमें डेरिवेशन में जा रहा हूं मैं, बस सीधा सीधा लिख रहा हूँ आई आई नो साइन ओमेगा टी माइनस टाउ। इस बार करंट बच्चों लैग करता है, तो इंडक्टर में क्या होता है करंट लैग करता है, कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों करंट लीड करता है। बस आप एक चीज ध्यान रखना, एक ही याद रखना दोनों से, या तो आप कैपेसिटर को याद रख लो, आप इंडक्टर को याद रख लो, और हमेशा ये याद रखो कि करंट लीड कर रहा है करंट लैग कर रहा है, कभी कंफ्यूज मत बना कि वोल्टेज लैग कर रहा है। एक चीज याद रखो कि करंट, देखो कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है और इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है, सिंपल सा बंदा। ठीक है इस पे क्वेश्चन करते थोड़ा सा। क्वेश्चन इज द इंडक्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस लेस कॉइल इज 0.5 हेनरी, इफ द कॉइल इन द कॉइल द वैल्यू ऑफ ए सी इज 0.2 एम्पीयर हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, चलो रिएक्टेंस निकाल लिए, रिएक्टेंस क्या हो जाएगी XL, XL किसके बराबर है ओमेगा एल सी, करो ट्राई। चलिए अगर क्वेश्चन ट्राई करो, तो इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस बार ओमेगा नहीं दे रखी है, इस बार एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सएल निकालना है क्या, ओमेगा, ओमेगा कितना है 2πf इंटू में एल, 100 क्या हो जाएगा 5 इंटू एल कितना है 0.5, तो आंसर विल बी आई थिंक क्या, एक बार देख लेते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो अगर आप इसका फेजर ड्रॉ करोगे तो करंट लैग कर रहा बच्चों, करंट लैग कर रहा है कितने से, 5/2 से, बस इधर से। ठीक है इसके अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे, हम बात कर चुके हाँ। अगर बात हम करें बच्चों टाइप ऑफ सर्किट, अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो हमारी बच्चों इंपीडेंस, इंपीडेंस एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस। ठीक है अगर प्योरली रेजिस्टेंस है तो बच्चों जेड किसके बराबर, आर के बराबर हो जाएगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव है, जेड किसके बराबर, XC के बराबर, यानी कि 1 / ओमेगा सी, और प्योरली इंडक्टिव है तो जेड किसके बराबर हो तो XL यानी कि ओमेगा। अभी तक हमने बात की बच्चों अगर सारे अलग अलग हो तो एक
सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है, किसी में सिर्फ इंडक्टर है, किसी में सिर्फ कैपेसिटर। अगर मान लो कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या करोगे? कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बच्चों सीरीज कनेक्शन, सीरीज यानी कि एल आर, इसको बोलते हैं, मतलब हम तो खैर आर एल सी सर्किट बोलते हैं। इसमें क्या, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीन बात, ठीक है। अब होता क्या है, रजिस्टर में क्या होगा बच्चों, तीनों में क्या सेम करंट होगा। तो अगर आपको निकालना हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितना हो जाएगा, रजिस्टर आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आई इंटू एक्स एल, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का आई इंटू एक्स सी। आया समझ में? ठीक है, यस सर, तो आएगा समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं, तो अगर आर एल सर्किट, इसमें क्या बच्चों, रजिस्टर भी है और इंडक्टर दोनों है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं सिर्फ वी आर की बात करूं, तो वी आर वोल्टेज क्या होगी बच्चों, वो हमारे साथ करंट के साथ क्या होगी, इन फेज होगी। भाई याद करो, जो करंट है इंडक्टर में लैग करता है, करंट क्या क्या करता है बच्चों, करंट लैग करता है किससे, वोल्टेज से। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टर के अक्रॉस, उससे करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। देखो इसलिए वीएल इधर है और वीआर ऐसे, ठीक है। सो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर आपने को टेंजेंट ऑफ फाई निकालना है, टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर आ जाएगा, वीएल डिवाइड बाय वीआर। वीएल क्या होता है, आई इंटू एक्सएल होता है, और वी आर कितना, आई इंटू आर होता है, तो कितना आ गया, एक्सएल बाय आर आ गया। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, आया गया समझ में, ठीक है। और इंपिडेंस की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये बात किस किस को समझ आई, यस सर, ठीक है। ये किसके लिए, आर एल सर्किट। अगर हाई करती हूँ चीजें, ठीक है बच्चों, जो फाई ना फाई ये क्या है, इट्स इट्स एंगल मेड बाय द नेट वोल्टेज विद द करंट, ठीक है। अगर बच्चों आर एल सर्किट है, हमेशा बच्चों वोल्टेज क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। ये फिर आपको मैं पहले बात कर चुके, इंडक्टर की केस में हमेशा करंट क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री से। लेकिन आरएल की वजह से क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, पर कुछ एंगल तो होगा जिससे लैग करेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होम क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूँ। व्हेन 100 वोल्टेज डीसी इज सप्लाइड अक्रॉस ए सोलेनोइड, ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज इन। व्हेन ए 100 वोल्ट एसी इज सप्लाइड अक्रॉस द सेम कॉइल, द करंट ड्रॉप्स टू 0.5 एम्पीयर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज, देन द इंपीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी आप देख लेना, करंट गिवन है, तो करंट कितना हो जाएगा अपना, वी डिवाइड बाय जेड। वी कितना देखा, 100, तो जेड अपने को दे रखे हैं, यहाँ से पूछा आपने क्या, एक जेड की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। या आपका क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, आगे चलते। नाउ बोचो, अगर आरसी सर्किट होता बिल्कुल सेम, हमने जो डिटो पढ़ा है ना अभी वैसे ही है, बस कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है किसको, वोल्टेज को। तो जो जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज बीसी है, उसको करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से, और जो वीआर वोल्टेज है वो तो सेम फेज में है। आप देखोगे इस बार बच्चों जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, बीसी डिवाइड बाय में वीआर, यानी कि एक्ससी डिवाइड बाय में आर। तो ये बात किस चीज को समझ आई, आई क्या समझ में, यस सर, यस सर। तो इसमें बच्चों हमारा जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज को कितने, बाय फाई एंगल, ठीक है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दे रखी है।
if the impedance of the RC circuit is R under root 1.25, then the time constant in millisecond of the circuit, बच्चों ध्यान रखो, अगर RC circuit है ना तो time constant की value होती है RC. अब क्या बोले, time constant की value निकालनी है, ठीक है, capacitance हमें दे नहीं रखा है इन्होंने, resistance दे रखा है, निकल जाएगा यहाँ से, भाई Z किसके बराबर होता है, under root R square plus में XC का whole square, क्या लिख सकते हो, R square plus में XC कितना अपना, 1 by omega C का whole square, ये सब बराबर किसके है, R under root कितना, 1.25, बस यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी R की, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, यस सर, पक्का हो जाएगा, किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपको सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा, देखो मैं अगर आपसे बात करूं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में देखो क्या आएगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1.25 प्लस, इसका उधर ले जाना तो देखो क्या आएगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, आ गया 0.25 आर स्क्वायर, आप दोनों तरफ रूट ले लो क्या आएगा, 1 बाय ओमेगा सी विल बी इक्वल टू 0.5 आर, देखो अगर मैं आगे बात करूँ इसके बारे में, देखो कितना आ गया, हमें आर सी दे ना तो आर सी इधर कर दो, ठीक है, 1 बाय 0.5 ओमेगा, ओमेगा कितना 500, तो देखो कितना आएगा, 1 बाय आ जाएगा 2500 आएगा, नो 25 250, ठीक है, इसमें बच्चों किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन, आगे चले, ठीक है, अगर एलसी सर्किट हो तो आप देखो, अब एलसी सर्किट में क्या होगा भाई, जो वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस वो करंट को लीड लैग करेगी, और जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस वो करंट को लीड करेगी 90 डिग्री से, लेकिन अगर आपको नेट वोल्टेज निकाल लो तो क्या होगा, नेट वोल्टेज क्या होगा, वीएल माइनस वीसी लिख लो, ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू है नहीं, तो जेड, तो वी डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड हो जाएगा बच्चों एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, आई मेरी बात समझ बच्चों, अगर मान लो एक्सएल एक्सी इक्वल हो जाए, बस यहाँ से बच्चों हमारी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/100 एल सी, सर एक बार ये सेकंड इक्वेशन दोबारा से रिपीट कर दीजिए, कौन सी वाली सर, ये सेकंड वाली, ये नहीं सर, जो आपने पेंसिल लिखी हुई है सर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यस सर, ये वाली ऊपर वाली, हाँ, तो देखो वी वाई आई कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी, भाई देखो इस बार आप चेक करो ना भाई, जेड की वैल्यू देखो, हमने अब तो क्या सीखा था, हमने तो ये सीखा था भाई आर स्क्वायर होती है प्लस में एक्सएल होता है, अब इस बार आर तो है ही ना, आर है ही, और ये आपस में अपोज करेगी एक दूसरे को, ठीक है, चलिए बच्चों अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आर एल सी सर्किट, अगर मान लो तीनों हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी तीनों के दोनों, तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये देखो वी डिवाइड बाई इक्वल टू जेड, ये किसके बराबर है, याद आएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आपको टेंजेंट ऑफ फाई निकालना है किसके बराबर हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय में आर, या फिर हम लिख सकते हैं वीएल माइनस वीसी डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द गिवन, हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आराम से निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अंडर रूट वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर. देखो डायग्राम ध्यान से देखो. ऑप्शन ए. बहुत बढ़िया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है? क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस. एट रेजोनेंस करंट बच्चों मैक्सिमम होता है. क्यों मैक्सिमम होता है बच्चों? बिकॉज XC माइनस XL हो जाता है. ठीक है, रेजोनेंस का मतलब बच्चों होता क्या है? मतलब ये कि जिस पे हमारा XL इज इक्वल टू XC हो जाए उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस. तो देखो अगर ये हो गया जीरो हो गया तो हाँ केवल क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, मेरी बात किस किस को समझ आ रही? यस सर. यस सर. ठीक है, अब सोचो XL माइनस XC हो गया तो इम्पीडेंस की वैल्यू तो कम होगी ना. अगर इम्पीडेंस कम हो गया तो हमारा करंट ज्यादा हो गया. ठीक है, सो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों? इट्स द रेशियो ऑफ VL और VC डिवाइड बाय V0. V0 क्या है? अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, यानी कि हम क्वालिटी फैक्टर को ये भी बोल सकते हैं XL बाय R और XC बाय R. ओमेगा क्या होना चाहिए बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि अंडर रूट LC. ठीक है, सबको याद आई है? यस सर. ठीक है, चलिए अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें बच्चों, पैरेलल सर्किट में क्या हो जाएगा? इसमें हम सब कुछ बच्चों रिप्लेस कर देंगे किससे? करंट से. ये हो जाएगा पैरेलल सर्किट. तो V बाय Z जहां पे आपको वोल्टेज था वहां पे आप करंट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया देखो. और फाइनली टेंजेंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/XC माइनस 1/XL डिवाइड बाय 1/R. ठीक है, तो पावर इन एसी सर्किट, पावर का फॉर्मूला याद है किसको? पावर क्या होती है? वी रोड V into I होता है ना. एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा बच्चों V एवरेज यानी कि V RMS into I RMS cos of. ठीक है, सो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू V RMS into I RMS into cos of phi. cos phi क्या होता है बच्चों? पावर फैक्टर यानी कि R डिवाइड बाय Z. फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट phi की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. ठीक है, क्यों जीरो क्यों होगी? बिकॉज जेड किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा. तो प्योरली इंडक्टिव क्या है? बच्चों फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री. क्यों? आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो कोस फाई जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे. तो पावर फैक्टर क्या हमारा जीरो हो जाएगा. पावर फैक्टर जीरो हो गया तो बच्चों पावर भी जीरो हो जाएगी. यानी कि नो पावर इज कंज्यूम्ड बाय प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट. ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर. पक्का समझ आई? आई नो आई नो आई नो. आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हमने भागते भागते टॉपिक कवर किए, बट आशा करते हैं बच्चों आपकी जल्दी से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी वीकेंड पे. हम थोड़ा और अच्छे से रिविजन करेंगे, हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, पॉज कुछ हम करेंगे, बट टाइम की कमी होने की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी भागना पड़ रहा है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, आई होप मैं आपको काफी कुछ चीजें समझा पाया हूँ. यस सर. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन बचो प्लीज इन नोट्स को फिर से रिवाइज कर लेना प्लीज प्लीज. इट्स माय हम्बल. यस सर. ठीक है, चलिए. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन. अगर किसी को कोई सवाल पूछना है कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सब क्लियर है? सर मुझे कोई बुक पता नहीं चल रही सर प्रैक्टिस के लिए, मतलब थ्योरी तो पढ़ रहे हैं बट सर बुक नहीं पढ़ रहे. आप एक काम करो, आप सबको आई थिंक ग्रुप में शेयर भी किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद है? देखे ना आपने बच्चों, आपको ग्रुप में मिली थी प्रीवियस ईयर के 34 ईयर के क्वेश्चन. आप नहीं तो सफिशिएंट है सर. हां जी.
सर मेरे से मतलब क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करती हूँ ना तो कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो फिर आप देखो, आप तो लकी हो कि आपसे सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, बच्चों से कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो रही है। दोस्तों आप तो इसका मतलब आप काफी समझदार हो इस मामले में। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ भाई? बच्चों से तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते। कितने बच्चों को तो फिजिक्स में कि कॉन्सेप्ट लगाना कौन सा है। आप अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब आपने 90% काम तो कर लिया है, 95% आपका सिर्फ 5% रह गया। तो कैलकुलेशन में ध्यान रखो बस। आई थिंक कैलकुलेटर वगैरह की मतलब इक्वेशंस होती है ना तो ये सॉल्व नहीं होती। बच्चों लॉग में क्या है ना, देखो लॉग में क्या है कि जो भी वैल्यू यूज होंगी आपके ना किसी इक्वेशन में वो वैल्यू आपको देके रखेंगे। लॉग में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, कोई हाई फाई लॉग नहीं पूछने वाला। अगर कोई एक ऐसी कोई अब्रप्ट वैल्यू आ रही है जैसे लॉग 15 लॉग 20 जिसका आपको पता ही नहीं है, जिसका आपको हवा ही नहीं है, तो क्या वो आपको वैल्यू डाल के देंगे, लिख के देंगे ब्रैकेट में? बट सर पीडीएफ फॉर्म में ना सर क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो सर आप ही बता दो। किसमें नहीं हो पा रहे? पीडीएफ फॉर्म में मतलब? सर मतलब फोन में है ना सर, इसलिए। हाँ तो बच्चों आप उसको डाउनलोड कर लो ना, आप उसमें मतलब आपको फोन में साफ दिखती है, डोंट वरी, फाइल पूरी साफ दिखेगी आपको। सर तो फिर ना आप उस पीडीएफ को दोबारा से शेयर कर देना प्लीज। ठीक है, मैं अभी दोबारा शेयर कर, ठीक है। चलिए बच्चों, आई थिंक काफी लेट हो गया, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर किसी को वो डाउट हो प्लीज कीप रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।